हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस एन अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी जो कि सीएसआईआर नेट नवंबर 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन फोटोसेंसरी बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉलोइंग आर सर्टन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइटोक्रोम मीडिएटेड सिग्नल ट्रांजक्शन इन अरबिडोप्सिस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, फाई ए फाइटोक्रोम ए एंड फाई डी आर फोटोस्टेबल, फाइल फाई बी एंड फाई सी एंड फाई ई आर फोटोलेबियल। इसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे भी बताएंगे, ये ऑप्शन गलत है। प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर एंड द कन्वर्जन ऑफ पी एफ पी आर ए टू पी एफ आर ए काज फाई ए कंसेंट्रेशन टू ड्रॉप। ऑप्शन सी क्या है, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन ऑफ पी आर टू पी एफ आर काज मूवमेंट ऑफ फाइटोक्रोम फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस। फाइटोक्रोम बी लैक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एंड डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर न्यूक्लियर इम्पोर्ट। देखो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, जैसे कि पहले इन्होंने बोल रखा है कि प्लांट प्रोड्यूस सेवरल डिफरेंट फाइटोक्रोम अराउंड द ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल फाइव डिफरेंट फाइटोक्रोम फाई ए टू फाई ई, ओनली फाई ए इज लाइट लेबियल एंड अदर फोर फाइटोक्रोम इज लाइट स्टेबल। ऑप्शन वन इसमें क्या बोल रखा है, फाइटोक्रोम ए फोटो स्टेबल है, गलत है। फाइटोक्रोम ए जो होता है वो क्या है, लाइट लेबियल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोटो स्टेबल बोल दिया, स्टेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड लाइट एक्सपोजर एंड कन्वर्जन ऑफ पी आर ए टू पी एफ आर ए कॉज फाइटोक्रोम ए कंसेंट्रेशन इज ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली 100 फोल्ड। दिस अकर पार्शियली बिकॉज ऑफ पी एफ आर ए प्रोटीन इज रेपिडली डिग्रेड। क्या होता है, पी एफ आर ए जो प्रोटीन होती है वो रेपिडली डिग्रेड होती है एंड पार्शली बिकॉज लाइट इनहिबिट फाइटोक्रोम ए ट्रांसक्रिप्शन इन अ प्रोसेस दैट इट सेल्फ मीडिएट बाय फाइटोक्रोम सिग्नलिंग। ठीक है, डिस्पाइट द फॉल इन कंसंट्रेशन फाई ए स्टिल फंक्शन इन लाइट ग्रोन प्लांट। ठीक है, दो कारण हो सकते हैं, पार्शली इनहिबिट फाई ए ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा क्या होता है, रेपिडली डिग्रेड हो जाता है। क्या हमारा रेपिडली डिग्रेड होता है पी एफ आर ए फॉर्म, जिसके कारण इसकी फाई ए की कंसेंट्रेशन ड्रॉप होती है। ठीक है, प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर एंड कन्वर्जन ऑफ पी आर ए टू पी एफ आर ए काज फाइटोक्रोम ए कंसेंट्रेशन टू ड्रॉप। अभी मैंने बताया ऑप्शन सही है। अगला क्या है, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन ऑफ पी आर टू पी एफ आर काज मूवमेंट ऑफ फाइटोक्रोम फ्रॉम टू साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायग्राम से। देखो ये क्या है, पी आर मतलब ये यहाँ पे बी इसलिए रख रहे, फाइटोक्रोम बी की यहाँ पे बात हो रही है, फाइव बी की। ठीक है, तो फाइव बी इज सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म इन द इनएक्टिव PRV फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, जब रेड लाइट पड़ेगी तो ये PFR फॉर्म PFRV फॉर्म में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर ये न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर न्यूक्लियस में ये अपनी सिग्नलिंग करता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन में बोल रखा है। क्या बोल रखा है ऑप्शन में, कि एक्सपोजर ऑफ लाइट लाइट के एक्सपोजर पे एंड कन्वर्जन ऑफ PR टू PFR का मूवमेंट ऑफ साइटोक्रोम फ्रॉम साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में चला गया था। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर राइट आफ्टर ऑप्शन डी, फाइटोक्रोम बी लैक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एंड डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर न्यूक्लियर इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। फाइटोक्रोम आर टू लार्ज टू डिफ्यूज पैसिवली थ्रू न्यूक्लियर पोर्स एंड सो रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन द केस ऑफ फाइटोक्रोम बी दिस इज कॉन्सेप्चुअली सिंपल, फाइटोक्रोम बी पोजेस अ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। ठीक है,
साइटोक्रोम बी जो होता है उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, ठीक है, दैट इज ब्रीव टू बी अनकवर्ड बाई द कन्फर्मेशनल चेंज अकरिंग इन पी आर बी कन्वर्ट टू पी एफ आर बी, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फाइटोक्रोम बी होता है, उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ पे फाइटोक्रोम बी में बताया न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे ऑप्शन गलत कौन कौन से होगा, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है, तो हमारा बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, अब पूछा भी जो आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बी और सी राइट है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से और क्वेश्चंस के सलूशन जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।